दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो हर घर में आपको मिल जाता है और आसानी से मिलता है और जो कि आप दैनिक जीवन में हमेशा यूज करते हो। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोलगेट की। कोलगेट से दोस्तों हम दांत साफ़ करने के काम में लाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कोलगेट हमारे कई कामों में काफ़ी असरकारक है, जैसे चेहरा निखारने में और नाखून को भी नाखून में शाइनिंग लाने के लिए भी और काफ़ी चीज़ हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हमारे 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो रहे हैं, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये नुस्खा काफ़ी असरकारक है। हाँ दोस्तों, टूथपेस्ट जो है ये काफ़ी असरकारक है। गर्मियों में अक्सर लोगों के फेस पे पिंपल्स निकलने लगते हैं, तो ये मुहासे निकलने की वजह से चेहरा काफ़ी भद्दा लगने लगता है, तो इसको ख़त्म करने के लिए टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है, इसको फेस पे लगाकर रात में सोने से पहले फेस पर लगाकर सो जाएं और सुबह उठकर इसको धुल लें। ऐसा करने से आपका मुहासा बहुत ही जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। मुहासे को ख़त्म करने के लिए ये टूथपेस्ट काफ़ी असरकारक है। दोस्तों इसको आप यूज कर सकते हैं और यूज करके आप देखिए। अगला नुस्खा है चेहरे को निखारने के लिए। जी हाँ, रंग निखारने के लिए टूथपेस्ट में थोड़ा सा नींबू मिलाकर इसको पैक बनाएं। पैक बनाने के बाद आप इसको चेहरे पर लगाएं, इससे झुर्रियाँ तो ख़त्म होगी, साथ ही साथ डार्क सर्कल भी ख़त्म होगा, तो इससे फिर चेहरे भी निखरने लगेंगे। दोस्तों ये सब काफ़ी असरकारक नुस्खा है। और अगला नुस्खा है जलन से राहत। जी हाँ, आप खाने बनाते वक्त जल जाते हो तो हाथ में काफ़ी जलन होती है, तो इसमें टूथपेस्ट लगाना कैसे है, इसको पहले हाथ को पानी के नीचे रखें, फिर उसके बाद में इसको निकाल कर साफ़ कपड़े, ठंडे साफ कपड़े से इसको पोंछ लें, उसके बाद टूथपेस्ट लगाएं, जिससे टूथपेस्ट लगाते ही थोड़ी देर बाद इसमें से जलन ख़त्म हो जाएगा। ये नुस्खे काफ़ी असरकारक हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो हमारे चैनल पर आए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ हमारे 20,000 सब्सक्राइब